मेरी प्रोडक्शन आपको ऑफर कर, चार गुना पैसे ज्यादा, चार गुना पैसे ज्यादा दे दिए यार। मैं टीबीएच नहीं छोड़ूंगा, टीबीएच नहीं छोड़ूंगा। एक सेकंड, सॉरी यार, सॉरी। कम से कम यार जो सेलिब्रिटी आए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया करो ना यार। 10 दफा का है, ला के दो। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन हजरात, मैं हूं नादिर अली। पाकिस्तान में तीन हाशमी बहुत मशहूर हैं, हाशमी का सुरमा, हाशमी इस्पगोल और ताबिश हाशमी। थैंक यू नादिर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे ताबिश? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ताबिश, कहते हैं कि लोगों के करीब वो आता है जो बआसानी उनको मुयस्सर हो, कि हाशमी का सुरमा, इस्पगोल, हाशमी इस्पगोल और ताबिश हाशमी, तीनों ही सस्ते हैं। बहुत सस्ते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं सस्ता भी नहीं, मुफ्त मिल रहा हूँ। सस्ता इन अ सेंस मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप गलत नहीं लीजिएगा। मैं ले रहा। सस्ता ये है कि आप प्यार में आ जाते हैं। अभी तो कोई मीटर नहीं लिया ना आपने। मैंने नहीं लिया ना। मैंने नहीं लिया। आपने पूछा भी नहीं, मैंने लिया भी नहीं आपने। नहीं, अगर आप आज पूछ भी लेते तो हम इतना अफोर्ड कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत सस्ते और बहुत प्यारे हैं। थैंक यू नादिर, बहुत हल्के। ताबिश हाशमी, मेरा पहला सवाल है, पूछिए। खाना खा के आए? नहीं, मतलब यहाँ इंतजाम करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा नादिर, पैसे भी ना। चलो आपको शापर में कुछ दे देंगे, आप जाते हुए मतलब है गाड़ी में। नहीं, जो झोली फैला लूंगा ना, इसमें दो चमचे डाल दिए। दूसरा सवाल मेरा ये, घर पे बता के आए? नहीं, यहाँ वो मानते नहीं, वो इजाजत नहीं मिलती। अगर बताता यार नादिर के पास, नहीं क्यों इजाजत, वो कहते हैं ऐसी जगहों पे मत जाया करो। प्यार करने वाला आदमी हूँ ताबिश, अभी तुम्हें बैक कैमरा इतनी पप्पियां कर रहा था मैं यार। यार मतलब घर से मुराद असफर भाई को और बासित को, ये दोनों को बता दिया। यार आजकल तो मैं सास ससुर के पास भी रहता हूँ, तो उनको उनसे ही परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाओ, वो बिगाड़ देंगे लड़के। अच्छा, वो बिगाड़ देंगे लड़के। अच्छा ताबिश, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर के लोग फैन है। अच्छा, इंग्लिश का एक मेरा सवाल है, इंग्लिश में पूछना। एक सेकंड, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। कम अज कम यार जो सेलिब्रिटी आए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया करो ना यार। 10 दफा का है, ला के दो, दो लाके। ये ताबिश ये आप सवालों के जवाब है, ठीक है। ये आप असल में आप, मैंने आपको शो में देखा है, आप देख देख के, अगर मैं बगैर देखे जवाब दे नहीं सकता। हालांकि इसमें कुछ लिख दिए हमने, आप शुक्र है कुछ लिख दिए, शुक्र है कुछ लिख दिए, तो इसमें से मुझे यूं अच्छे लग रहे हैं आप। ये अब आप मेरे साथ वन ऑन वन, मैं भी अब ऐसे ही बैठूंगा। एक बात बताए ताबिश, इंग्लिश का एक सवाल है प्लीज। एक लड़की बिल्डिंग के नीचे खड़ी है, ठीक है, उसे इंग्लिश के एक वर्ड में किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? एक लड़की बिल्डिंग के नीचे खड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड, देखिए जो है वो है, जो है वो है। दूसरा सवाल मेरा, दूसरा सवाल, एटिकेट्स जिसे हम कहते हैं, यार आपको एटिकेट्स नहीं है यार। हाँ, बिल्कुल एटिकेट्स नहीं है आप, बिल्कुल। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। आपके अंदर बिल्कुल सलीका नहीं है, बिल्कुल सलीका। इसको मैं अब बता देता हूँ, जाओ 80 बिल्लियां, 80 कैट्स। वाह वाह वाह, चले जी, हो गया, हो गया नादिर, आप जीत चुके हो। नहीं नहीं, मैं नहीं, आप बराबर है। 80 कैट्स तक नहीं पहुंच सकता था हैं। ये मेरा अपना जाती है, 80 बिल्लियां पुराना वाला जाती नहीं था, वो था, ये जाती है, ठीक है। ताबिश मुझे एक बात बताए, मैं बताऊंगा। भाभी किसकी? हमारी, हमारी, हमारी भाभी, हमारी, ठीक है, गर्लफ्रेंड तुम्हारी, इन दोनों में से अफोर्ड करना किसे आसान है, जाती बीवी या गर्लफ्रेंड अवामी? आजकल अवामी गर्लफ्रेंड ही मिल रही है ना। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ। जवाब इसका ये है कि गर्लफ्रेंड जो है ना, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो कैसे? मतलब भाई आज है कल नहीं है, लेकिन बेगम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो छोटा छोटा करके बहुत खर्चा करवा लेगी गर्लफ्रेंड, ये दो तीन शॉटों में आपको लूट ले, छोटे छोटे, मतलब दो तीन शॉटों में, मतलब दो तीन बारियों में ही आप खत्म हो जाओगे। लेकिन गर्लफ्रेंड का, बेगम का छोटे छोटे खर्चे लेकिन लंबे चलेंगे, ये डिफरेंस है। ताबिश, एक शख्स अमेरिका में पैदा हुआ, पैदा हो गया, कनाडा में जवान हुआ और पाकिस्तान में फौत हो गया, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उसको क्या कहेंगे? एक शख्स अमेरिका में पैदा हुआ, पैदा हुआ, कनाडा में बड़ा हुआ, कनाडा में बड़ा हुआ और पाकिस्तान में मर गया, बदकिस्मत कहेंगे? क्यों, पाकिस्तान में मरा है, अच्छी बात है यार। इसको कहेंगे मरहूम, मरहूम एक वर्ड है,
आप कहीं भी मरेगा तो मरूम ही कहेंगे, मतलब इधर उधर बहुत आला, क्यों सोच रहे हो? मैंने क्यों लंबा किया, क्यों कर सीधा मरूम कह के आगे निकल सकता? वो कौन सा ऐसा शख्स है जो खुद गरीब है लेकिन पूरे शहर में पैसा बांटता है? खुद गरीब है मगर पूरे शहर में पैसा बांटेगा, मतलब उसको दो वक्त की रोटी खाना भी शायद मुयसर ना हो, लेकिन आप भी उससे बोलोगे पैसे दो? टेक्निकल सवाल है। बैंक का टेलर भी हो सकता है? बैंक का कौन टेलर जो पैसे देता है? नहीं वो देखें इतना तो नहीं कैशियर होता, कैशियर उसको हाँ। कहते हैं वो तो इतना नहीं, वो कपड़े भी फटे हुए बुरे हाल, लेकिन आप उससे पैसों का तकाजा करेंगे? तकाजा करेंगे कि मुझे पैसे दो? नहीं नादिर मैं नहीं पहुंच पा रहा। सोचे नादिर पैसे दो, मतलब फटे हुए कपड़े, गरीब है, उसके पास खुद की दो रोटी नहीं, उससे कह रहा हूँ पैसे दो। कबाड़िया सामान बेचेंगे उसे पैसे भी देगा वो? यार ये क्यों नहीं आता मुझे समझे? ये देखिए लिखे हुए तावी थोड़ा लिखा हुआ था इस, यार कबाड़िया नहीं लिखा इस पे यार, पीछे पीछे देखो हाँ। दो तीन हिलाओ या होगा, यार लिखा है कबाड़िया लिखा है, देखो यार शिट। तावी साहब की इनकम का एक्चुअली किसको पता है? हमारी भाभी यानी आपकी वाइफ, आपकी फैमिली यानी अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा या FBR? यार FBR को पता है जो पता है वही है। पता अब बता दे ताविश। नहीं नहीं मेरी बेगम मुझसे भी पूछा था तूने, अब तू भी बता क्या इनकम है TVS पे, क्या छाप रहे हो? यार मैं छाप रहा हूँ बिजनेस की टिकटें, कनाडा कैसे जाई जा रहा है? यार मैं देखो बहुत अमीर आदमी हूँ नादिर, मैं छुपाता ही नहीं। माशाल्लाह सेठ आबिद की फैमिली से, सेठ आबिद बल्कि सेठ आबिद जो है वो हमसे आगे मशवरे करते थे, हम बहुत अमीर है और बहुत ज्यादा, मैं चाहता हूँ लोग समझे बहुत अमीर हूँ मैं हूँ। हाँ, मतलब आप बैंक में सोते हैं? मैं बैंक में सोता ही तो नहीं हूँ, मैं जागता रहता हूँ बैंक में, इतना अमीर हूँ। हाँ। तो वॉचमैन हुए ना फिर? नहीं अच्छा था जैसे, अच्छा था, मैं इस पर क्रेडिट दूंगा आपको और अगले सवाल की तरफ बढ़ते। एक अच्छा शो करने के लिए एंजॉय कर रहे, अच्छा था एक अच्छा शो करने के लिए बासित के अलावा क्या जरूरी है? नादिर जैसा गेस्ट। जो आप देखे आपको मैंने अक्सर शोज में देखा है, बासित नोट डाउन, बासित काट दो, बासित कौन है? बासित जिसको इतना मशहूर किया हुआ है, पैसा पकड़ा हुआ उसके बिहाफ पे, ये कौन है जो तुम्हें कतर की टिकटें करा के दे रहा है? कौन है ये बताए मुझे यार। बासित जो है अब सीजन 4 आएगा इंशाल्लाह और इसमें रिवील करना है अपना नादिर, बासित का पूरा गिमिक है, बासित का पूरा इंटरव्यू है। अच्छा तो आसानी से मैं जो है नादिर की पॉडकास्ट में अगर ये रिवील कर दूंगा, जहां मैं मीटर भी नहीं चलाया हुआ, अच्छा जहां मीटर भी नहीं चल रहा ना नादिर, तो वहां वो यार वो असल में एक प्रोप्राइटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बासित, इंशाल्लाह सीजन 4 में वो बंदा रिवील होगा और अच्छा, वाकई लेके आओगे? वाकई एक सरप्राइज है और मैं पहली बार किसी शो में ये बता रहा हूँ कि बासित को देखकर लोगों को शॉक अच्छा, लगेगा, मतलब शॉक लगेगा, शॉक लगेगा, क्या मतलब उसका मुंह उल्टा है क्या है? नहीं मुंह तो उसका वहीं पर है, मुंह से नहीं बल्कि बासित एक बहुत नोन पर्सनालिटी है। तब इस सेलिब्रिटी के साथ काम करके नाम बनाना आसान है या आम बंदों के साथ रोड पे काम करके नाम बनाना मुश्किल है? सेलिब्रिटी के साथ काम करना और नाम बनाना इज मच इजियर देन व्हाट यू गाइस डू, जो तुम करते हो रोड पर आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करके और वो किसी भी कैपेसिटी में हो, उससे मशहूर होना जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो सेलिब्रिटी अपनी फॉलोइंग लेकर आ रहा होता है, वो फॉलोइंग जो है वो आपको देखती होती है, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें टैलेंट दिखा दें तो फॉलोइंग आपको फिर देखना शुरू कर देती है, तो मल्टीपल आपके मतलब यानी कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं विद ईच सेलिब्रिटी। ये आपने मुझे क्रेडिट दे दिया। हाँ दे दिया यार, जहां बनता है वहां देना पड़ेगा यार। मजलिस खवातीन हजरात ये एक बड़े आदमी की निशानी होती है कि जहां पे मतलब उससे बड़ी कोई चीज हो तो वो गिव अप कर दे, लेकिन ये क्रेडिट मैं आगे से उसको दे रहा हूँ, वापस ले लो यही करते रहेंगे ठीक है, क्रेडिट पे ये आप हमें दो हम उसे देंगे, गोल गोल मैंने इसको वापस दे दिया। क्या कह के कुछ कह के दो ना, ऐसे देने से थोड़ी होगा, कोई तारीफ करके दो ना वापस। ताबिश हाशमी अपनी फील्ड में एक है। थैंक यू ठीक है, बेहतरीन हो गया। ताबिश भाभी अगर नाराज हो जाए तो क्या गा के मनाते हो या लतीफा सुनाते हो? अरे उठा के भाई, उठा के मतलब नखरे उठा के, बकौले आमिर भाई नखरे उठा के नखरे उठा के भाई मैं बहुत मैं अब देखो, एक तो पहली बात ये है कि मुझे जब ये नाराजगी हो जाती है ना, चाहे वो मेरी तरफ से हो बेगम की तरफ से हो, तो घंटा दो बाद में उलझन हो रही होती है कि यार क्या नाराजगी हुई हुई है, टेंशन रहती है। और कब हर बार ऐसा ज़रूर होता है कि बड़े इवेंट से पहले कहीं बड़ी जगह जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो उससे एक दिन पहले एक रात पहले ज़रूर एक झड़प सी हो जाती है।
अच्छा एक सवाल है ताबिश, जो कि वाकई जेन्युइन मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा है, अगर टीबीएस से हट के कोई प्रोडक्शन आपको कोई शो ऑफर करे और पैसे चार गुना ज्यादा दे, मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्शन आपको ऑफर कर रही है चार गुना पैसे ज्यादा दे, जो भी आप कमा रहे हो 100 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे, बिरयानी भी मिलती है, बिरयानी भी मिलती है मिसाल के तौर पे, बिरयानी मिलती है, सत्तू का गिलास भी, सुबह छोले भी हैं, छोले पराठे भी दे रहे हैं, ठीक है ये सब चीजें हम, मैं ठेला क्लियर कर दूंगा, क्लियर कर दूं यार, फिर आप बाद में बोलो पैसे की बात, चले चले यार, प्रॉपर ठेला, प्रॉपर ठेला भी खड़ा हो गया खाने का, ठेले का छोले नहीं खाऊंगा भाई फिर यार, वो जो कनाडा से मंगवाऊं, नहीं वहाँ रेस्टोरेंट है पठान का, वहां से आएंगे, अगर चार गुना ज्यादा पैसे ऑफर करें तो क्या टीबीएस छोड़ दोगे या वो छोड़ दोगे जो चार गुना ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं? बड़ा सवाल, सुचल जवाब यार, मैं टीबीएच नहीं छोड़ूंगा, टीबीएच कभी नहीं छोड़ोगे? नहीं नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड ताविश हाशमी ये बात बोल रहा है, पूरा तो करने दो ताविश, देख पैसा फकीर से लेके बादशाह सबकी जरूरत, मैं बट और इफ तो डालने देता तू, चल चल टीबीएच नहीं छोड़ूंगा, पैसे के लिए, पैसे के लिए, पैसे के लिए नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, किसके लिए छोड़ोगे? सुन लो, पैसे और इससे बेहतर शो के लिए छोड़ दूंगा। अच्छा, इससे बेहतर क्या हो सकता है आपके नजर? नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं, वो टीबीएच में रहकर भी हो सकती हैं, और अगर कोई और करना चाह रहा है तो उसमें भी हो सकती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि अगर वो नहीं करना चाहे मेरे साथ तो मैं बुरा मान जाऊंगा कि यार आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं मेरे साथ टीबीएच, ये सबको आजादी होनी चाहिए अपना अपना कॉन्टेंट चूज करने की, आगे बढ़ने की, इंप्रूव करने की, तो मेरे ख्याल से नाशपाती भी अगर चाहिएगी कि आप टीबीएच किसी और के साथ करें, जो कि चांसेस मेरे भी कम है उनके भी कम है, लेकिन इफ दैट हैपेंस तो हम सब इतने मैच्योर हैं इस टीम के अंदर कि हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पाकिस्तान में सबसे ठंडा कॉमेडियन कौन सा, जिसे आप समझते हैं कि यार बहुत बर्फ है इंतहा ठंडा है भाई? यार हैं, हैं? हाँ, मेरे मुंह से मुआ नाम, लेकिन बाकायदा हैं बहुत है। अच्छा, उनको पता भी नहीं है कि वो ठंडे ठंडे हैं, वो गर्म जोशी से कर रहे हैं, है? गर्म जोशी से कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि शीशे में देख के अरे ये तो वही नहीं उठा ऐसा तो नहीं लगा नहीं। मुझे लगा एक दो बार लगा एक दो बार लगा, मगर मैं गर्म हो गया। लेकिन आप कनाडा में रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा समझे ना, ठंडा मौसम, वहाँ ठंडा माहौल। कनाडा में बाय द वे कहाँ रहते हैं? टोरंटो में। वहाँ टैक्सी वगैरह भी चला रहे हो क्या? मैं वहाँ पे यार ये फूड डिलीवरी करता हूँ, फूड डिलीवरी। हाँ नहीं नहीं भाई, तो फिर यार ताविश आप हमारे मुल्क का फखर है यार, आप वहां पे बोल रहे हैं मैं टैक्सी अपना फूड डिलीवरी करता हूँ, टैक्सी वैक्सी चला रहा हूं। तो क्या हो गया भाई इसमें? देखो मैं एक चीज बताता हूँ। अच्छा। और नादे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर पाकिस्तान में किसी को यहाँ पर टैक्सी चलाने के, 8 घंटे की टैक्सी चलाने के $6,000 मिल रहे हों, यानी कि जो महीने के बनते हैं 7,500,000 रुपए, दिलेरी मेहंदी चलाता रहा है भाई, भाई 7,500,000 रुपए अगर किसी को महीने के टैक्सी चलाने के मिलते हो, क्या वो नहीं चलाएगा या पूरा पाकिस्तान टैक्सी चलाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप चलाएं टैक्सी, मैं मना थोड़ी नहीं, तो आप लगाना यार फकर है टैक्सी क्यों चला रहे, आप चलाएं आप टैक्सी, नेक्स्ट टाइम मैं जब कनाडा आऊंगा मैं आपकी टैक्सी में, प्लीज यार ना दो, प्लीज ऐसा करना यार, टिप भी देना, ऐसा ना हो कि आप बैठ जाओ और बोलो ताबी भाई आप थोड़ी पैसे लोगे, ये नहीं करना है प्लीज। ताबिश आई लव यू सो मच, आई लव यू मेरा भाई। देखिए मौजिस का तीनों हजरात, ताबिश मेरे सामने मौजूद है, ये बात मैंने बैक इसके बैक पे भी बोली है, हमेशा बोली है कि हर चीज़ आप डांसर हो आप प्रैक्टिस करो डांस की आप बन जाओगे, सिंगर हो गले की रियाजत करो बन जाओगे, एक्टिंग की आप क्लासेस लो बन जाओगे, लेकिन कॉमेडियन बाय बॉर्न होता है, पैदा होता है। और मैं समझता हूँ आप लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों के आंखों से आंसू चुरा रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम इस चीज़ पे आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि ये झंडा हम लोगों ने उठाया हुआ था, उस झंडे को आपने भी उठा लिया है, तो हम इस चीज़ को आपकी समझते हैं कि आप ये बड़ा नेकी का काम। मैं इंतजार कर रहा हूँ बेइज्जती वाला जुमला कब निकलेगा। नहीं नहीं इंतजार कर रहा हर वक्त, देखिए मेरी बात सुने ताबिश, बात ये है देखे मैं नहीं बेइज्जती कर सकता किसी की, मैं बताते थोड़ा बहुत इजाफा कर लूंगा अदरवाइज, यही तो आपके मैं नहीं कर सकता था भी। देख बात पता है क्या है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ तुझे पता है, मुझे पता है, पता है नहीं बताया भी नहीं बात, नहीं ये बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आई लव ताबिश हाशमी, थैंक यू। और ये बात मैंने बोली थी कि मैं लड़की होता तो मैं इससे शादी कर लेता, तो इसने इस पे बोला था कि आपने ये क्यों सोचा कि आप लड़की होते, तो आज मैं नर बन के आ रहा हूँ कि मैं नर होता और मैं तुमसे शादी कर लेता, चल भाई सैन फ्रांसिस्को चले वहां पे मैरिज करे। यार ये देखो ना, ये जो वो है ना थॉट कि यार मैं होता तो कर लेता, यार मेरी तो आप पूछो ना, हाँ मैं हाँ करता नहीं करता आपने डिसाइड कर लिया कि आप कहते कि कर लो तो मैं हाँ ही कहता, ऐसा नहीं है
मैं सोचता ना था। आप सोचते मैं सोचता नहीं, मतलब आप लड़की की तरह सोचते, मतलब ये लड़का नहीं, कितना कमाता है, क्या क्या हो सकता है, मैं लड़की की तरह सोचता। लड़की की तरह सोचने का मतलब ये है कि मैं छाक पटक करता कि लड़का मेरे लिए ठीक है नहीं है। मैं बिल्कुल लॉजिकली, देखो मेरी बात सुनो, मेरी क्वालिटी सुन लो, मैं रोटी खा के सोता भी नहीं हूँ, ठीक है, ठीक है, ये क्वालिटी ये भी है, ठीक है, और धुआं नहीं छोड़ता मैं, धुआं नहीं छोड़ता, सेकंड हैंड हूँ, लेकिन मतलब जाहिर है शादी हुई भी है, लेकिन अच्छे, वो जो कहते हैं as good as new, as good as new, किसी औरत के हाथ का चला वो डॉक्टर के, डॉक्टर के हाथ, डॉक्टर की हाथ की गाड़ी चली हुई है ये, बिल्कुल कम चली है ये, सिर्फ घर से क्लिनिक आती थी एक डॉक्टर, या ये भी ये लिखा होता है गाड़ी भेजी क्या, डॉक्टर ड्रिवन या आर्मी ड्रिवन, आर्मी ड्रिवन, ये ताविश हाशमी, थैंक यू सो वेरी मच, प्लेजर भाई, आपने अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, थैंक यू भाई, और आप इसी तरह लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते रहे, आप हमारे लिए बहुत फखर है और हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव एक कलर्स के साथ आए, एक नया रूप हमारे को नजर आया है और उसका नाम है ताविश हाशमी। मौजिज़ ख़वातीनो हज़रात, ताविश हाशमी और मुझे इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाजत इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।